तेवत के अधिवक्ता अक्रम अंसारी का आगरा पुलिस ने अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। जहां 15 दिन पहले अक्रम अंसारी का आगरा से अपहरण हुआ था, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने जल्द खुलासा करने की बात की थी, जिसके बाद आज अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अगर पुलिस में कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा पहले से प्रोग्राम था, हम लोग शुक्रवार को आगरा गए और वहाँ एसपी सिटी साहब से बात हुई, 11 तारीख को हमारी यहाँ आईजी जोन से बात हुई। जब 11 तारीख को बात हुई तो उन्होंने हमें 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन के अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाएगी, आपके वकील साहब को सबकल वापस लिया जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन बाद जब हम आगरा गए, एसपी सिटी आगरा से मिले, तो उन्होंने भी हमसे यही कहा कि 2-3 दिन बाद इस तरीके से, आज 14-15 दिन हो गए एक अधिवक्ता को और उसकी बरामदगी नहीं हो सकी, इसीलिए हमारे अधिवक्ता में रोष है। आगरा में भी उस दिन रोड जाम किया, आगरा के अधिवक्ता भी साथ है, हमारी बारखानसल में वार्ता चल रही है, एक आध दिन में बारखानसल की तरफ से भी स्ट्राइक होगी। और हम लोग चूँकि हमारी तहसील सदस्य से जुड़े हुए थे अधिवक्ता, उनका आगरा से पड़ा हुआ है, इसीलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं प्रशासन को ये बताने के लिए कि आगे हम और भी कार्रवाई करेंगे, और भी कोई कड़ा निर्णय लेंगे हम लोग। ये पैदल मार्च आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हमारा पैदल मार्च सुभाष चौराहे से घंटाघर तक जाएगा, घंटाघर पे जनसभा होगी थोड़े से टाइम के लिए, उसके बाद हम लोग वापस कैसे चले जाएंगे। ऐसा है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो नारेबाजी चल रही है वो इसलिए चल रही है कि अभी तक हमें तो पहुंचे के 15 दिन हो गए, एक वकील का अपहरण जिसको 15 दिन हो गए, एक साधारण आदमी का क्या हाल होगा। तो इसीलिए हमारी पुलिस से मांग है कि जल्दी से जल्दी उस हमारे अधिवक्ता को लाए हैं। हमारी तहसील सदर आज 15 दिन से बिल्कुल बंद है, कलम बंद, हड़ताल है, ई बिंदु रजिस्ट्री वगैरह भी सब बंद कर रहा है।